मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू फ्राई राइस की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें मैं एक मसाला डालूंगी जिससे इसका स्वाद जो है और बढ़ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर कढ़ाई चढ़ा लें। इसमें डाल देती हूँ तेल। तेल को अच्छा गर्म होने देते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैंने दो बड़े साइज का आलू लिया था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई राइस जो है बहुत ही बच्चों को पसंद आती है, तो इसे ज़रूर आप बनाएं। इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए आलू जो है फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ। आलू को जब भी आप आलू वाला राइस बनाएं, तब आलू को पतला पतला काटें। को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अगर मेरे तरीके से चावल इस तरह फ्राई करेंगे फिर बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो एक बार जरूर बनाकर खाइएगा इस तरह से। अब चावल डाल देती हूँ। चावल अगर आपके घर में बच गया हो तो इस तरह से जरूर भून कर खाएं। थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल दे रही हूँ। अगर आपके घर में चावल इस तरह से बच जाता है फ्रेंड, तो आप इस तरह से ज़रूर भून करके खाएं।
बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको मिक्स कर देती हूँ। इसको 2-3 मिनट हम इसी तरह से भून लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो ये देखिए, ये चावल भून करके बिल्कुल तैयार हो गया है और देखने से ही कितना सुंदर लग रहा है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।